हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं एक पड़ोसी का घर, जिनका घर में कि आज सत्यनारायण पूजा हो रहा है। तो आज का वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिए सत्यनारायण पूजा का। उसके बाद मेरे जो डेली पूजा ब्लॉग है, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो पूजा हम लोग का एंजॉय कीजिए। ओम प्रजापति स्वाहा बोलिएगा, प्रजापति पिता के देवता में स्वाहा, इस मग्ने नमः स्वाहा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे हर रोज़ पूजा करती हूँ वही आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ नहा धो के उसके बाद ही मैं पूजा का जो बर्तन वगैरह है उसको धो लेती हूँ। पूजा का बर्तन वगैरह धोने के बाद एक लोटा में जल लेके आती हूँ, और जितना भी मैं भगवान जी का फ़ोटो रखी हूँ, सारे भगवान जी का फ़ोटो को एक कपड़ा रखी हूँ अलग से पोछने के लिए, सारे भगवान जी का फ़ोटो को पोछ देती हूँ। उसके बाद फिर जितना भी भगवान है उनके सामने में एक एक प्लेट और ग्लास रखती हूँ, और ग्लास में सारे ग्लास में जल भर रखे रखती हूँ। और शंख है मेरे घर में, एक दक्षिणावर्ती ना कौन सा शंख आप लोग देख सकते हैं जो बड़ा सा दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा जल भी भर लेती हूँ। उसमें तुलसी पत्ता अर्पण कर लेती हूँ विष्णु जी का नाम स्मरण करके। उसके बाद सारे लोटा में, मतलब सारे जो ग्लास में जल भर के जिन जिन भगवान को मैं तुलसी अर्पण करती हूँ, तुलसी पत्ता एक एक ग्लास में रख देती हूँ। सारे ग्लास में नहीं, जो जो भगवान को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है उनको तुलसी नहीं देती हूँ। जैसे कि भगवान शिव को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाते हैं, तो इसके लिए मैं ऐसे ही खाली जल भर लेती हूँ। उसके बाद वो प्लेट में नकुलदाना प्रसाद के रूप में रख देती हूँ, और दिया को जला लेती हूँ, दिया और अगरबत्ती को। उसके बाद जाती हूँ मैं जो सामने वाला दरवाज़ा, जो मुख्य दरवाज़ा होता है, वहाँ पे एक लोटा में जल भर के उसमें चंदन सिंदूर लगा के मैं दरवाज़ा के चौकट पे राइट साइड में रख के आती हूँ। उसके बाद जाती हूँ मैं तुलसी माता का पूजन करने। तुलसी माता को पहले पूजा कर लेती हूँ और सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आ जाती हूँ। उसके बाद ये कि यहाँ पर मैं भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ, तो पहले गणेश जी प्रथम पूज्य है, गणेश भगवान को मैं पहले पुष्प अर्पण कर लेती हूँ। और इस तरह से सारे भगवान को थोड़ा थोड़ा मंत्र जितना जानती हूँ उतना जप करके मैं सारे भगवान को पुष्प अर्पण करती हूँ। उसके बाद चंदन अर्पण करती हूँ। उसके बाद अभी देखिए मैं शंख बजा रही हूँ, शंख हर दिन मैं इस तरह से बजाती हूँ। शंख बजाने से जितना भी घर का नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाता है। और भगवान विष्णु को मैं तुलसी अर्पण करती हूँ रोज़। और देखिए यहाँ पे मैं शंख 3 बार बजा ली, उसके बाद शंख को धो लेती हूँ। उसके बाद मैं आरती करूँगी। फ्रेंड्स, जितना भी मुझे आरती का गाना पता है उस हिसाब से मैं आरती करती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को पूजा मैं नहीं सिखा रही हूँ, बस दिखा रही हूँ मैं कैसे पूजा करती हूँ। यहाँ पे बुरी कमेंट मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आरती कर लूँगी, उसके बाद आरती करने के बाद सारे भगवान को आरती करा के मेरा आज का पूजा इस तरह से, मतलब डेली पूजा मेरा समाप्त हो जाता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।